2 किलोमीटर के बाद आदमी की हालत ऐसे ऐसी हो जाती है। हो गया खत्म तेरा 2 किलोमीटर? जिंदा है, सांस चल रही है। और जैसे मैंने आपको 3-4 वीडियोस के पहले बताया था कि चाय मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ, तो यही हमारा डेली रूटीन। अंजलि ने नाश्ता रेडी कर दिया है, चाय मैं बना रहा हूँ, कैमरा के पीछे अंजलि खड़ी है, सामने नहीं आ सकती क्योंकि वो नहाई नहीं है और आप देखना नहीं चाहते वो कैसे बिना नहाए लगती है। अंजलि मैं तुझे एक बात बताऊँ, थोड़ी डरावनी है पर बताऊँ? बता। आज मंडे है। शिट यार। पता चला तुझे? दर्द आ रहा है, दर्द आज मंडे है। मेरे तो दिल में संडे से दर्द स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जरा, तो थोड़ी देर नाश्ता करते हैं हम लोग, चाय नाश्ता करके आपको मिलते हैं क्योंकि आज हमारी ऑफिस है, अभी ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं। जल्दी नाश्ता करते हैं, ऑफिस स्टार्ट करते हैं, फिर जब भी फ्री होगे आपसे मिलते हैं। फाइनली अभी बज रहे हैं 5 और थोड़ा सा हम दोनों फ्री हुए वर्क से और अभी हम लोग चाय नाश्ता कर रहे थे और मैं अंजलि को दिखा रहा था कि कल हिमाचल प्रदेश में जो अनलॉक खुला है, मतलब रिस्ट्रिक्शन जो ईज़ की है, RT-PCR अब आपको टेस्ट नहीं चाहिए, और किसी ने वीडियो पोस्ट किया था ट्विटर पे, इतनी लंबी लाइन है। आई थिंक ये मैंने तुझे दिखाया था, तू ही की बोल रही, तूने मुझे दिखाया था। तूने मुझे दिखाया था? हाँ, जो भी है NDTV वालों ने अपलोड किया था। हाँ, तो मैं अंजलि को वही बोल रहा था कि एज अ ट्रैवल ब्लॉगर हम लोग सोच रहे थे कि कहीं पे घूमने जाते हैं, रिस्ट्रिक्शन ईज हुए तो, पर यहाँ तो लगता है आम जनता हमारी कोई इस बार चांस ही नहीं है। RT-PCR टेस्ट की कमी थी, लोगों ने तो बर्बाद कर दिया। इतना बड़ा जाम लगा है, घंटों का जाम लगा है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा था, हाईली रिकमेंड कि आप जाके वीडियो देखो, आपको पता चलेगा कितनी लंबी लाइन है। कर दी। हमारा तो मूड ही खराब कर दिया। मैं तो नंबर ही नहीं आएगा हमारा तो लग रहा है। हम तो गुजरात से जाने वाले थे हिमाचल प्रदेश, यहाँ तो ये दिल्ली NCR वाले ही थोड़े बहुत इन्फ्लुएंसर है, मतलब 2000 हमारे सब्सक्राइबर है, तो हम 100-200 लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, तो हम बता सकते हैं कि प्लीज 50 लोग देखते हैं तो हम बता सकते हैं। बट अभी थोड़ी सी सिचुएशन और कंट्रोल में आएगी, सब जगह जो केसेस है वो डाउन हो जाएंगे, भीड़ कम हो जाएगी, उसके बाद थोड़ा प्लान करेंगे। बाकी ये कुछ हालत चल रही है। ऐसी कुछ हालत है हिमाचल प्रदेश की। तो दोस्तों बज गए हैं शाम के 6:30 और मैंने अपना ऑफिस का काम बंद कर दिया है। करण थोड़ा बहुत लगा हुआ है, मतलब लगा हुआ इसलिए ताकि वो कोई काम ना कर सके, मटका भरा था बीच में चला गया फिर जानबूझ के काम लेके, और लाइट चली गई है, इतनी गर्मी में लाइट चली गई है, लाइट ने बहुत मनहूसियत फैला रखी है। और देख मैं आपको दिखाती हूँ करण क्या कर रहा है इस घोर अंधेरे में। और जैसा कि आप काली बिल्ली देख सकते हैं हमारी कोने में पड़ी है, और करण कितना ढूंढ कर रहा है काम करने का, बंद कर दे अब। अरे सच में काम करा इतनी गर्मी में भी। तो हमारा आगे का प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि मैं थोड़ा बहुत साफ सफाई कर लेती हूँ, जो मुझे करने का मन नहीं बट मैं कर लेती हूँ शाम को एक्चुअली। उसके बाद हम जाएंगे थोड़ा सा वॉक करने, हम आपको हमारी छत दोबारा दिखाएंगे। बीच में 2 सेकंड का पॉज लेते हुए दोबारा दिखाएंगे। और हम दो भूत गर्मी में जलते हुए, करण ने अभी तक अपने काम को नहीं त्यागा है। करण कब चलेंगे ऊपर? चलेंगे 5 मिनट, मेरा ऑफिस का थोड़ा काम है खत्म। पूरे दिन ये बंदा काम नहीं करता, इतना ढोंगी इंसान है ना, और शाम को जब वॉक करने का टाइम होता है ना ये काम करने लग जाता है। अरे मैं पूरे दिन ही काम कर रहा था, हमने कहा व्लॉग ही किया। बाय द वे झूठ बोल रहा है फिर। सो फाइनली हम लोग टेरेस पे आ गए और अभी 1.1 किलोमीटर हमारा खत्म हो गया है। आज का जो टारगेट है वो 2 किलोमीटर का है, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से 1 किलोमीटर चल रहे हैं, और अंजलि ने जो पहले थोड़ी सी बकवास की है उसे माफ़ कर देना क्योंकि उसे व्लॉगिंग की ज़्यादा आदत है नहीं, तो कुछ भी बोलती रहती है। अब देखो क्या करें यहाँ पे। अंजलि हम वॉक करने के लिए आए, सनसेट देखने के लिए नहीं आया। मैं थोड़ी थोड़ी हवा ले रही हूँ, मुझे गर्मी लग रही है। हवा ले रही है तू, और
एज यू कैन सी बहुत ही अच्छा वेदर है, सनसेट सामने हो रहा है। कल हमने टाइम लेस लिया था इसीलिए फिर आज लेने का कोई मतलब नहीं, सेम चीज़ें दिखा के 2 किलोमीटर चलेगी आज। हाँ चलेगी ना। पक्का? मैं आपको अपडेट करता हूँ 2 किलोमीटर चल पाती है या नहीं। देखो एक 1.07 तो हो गया है। कहाँ गई एप्पल वॉच? चला नहीं आती। 1.07 किलोमीटर एप्पल वॉच चला नहीं आती। नहीं लेके मुक्के मारने आते हैं लेकिन मेरे को। A few moments later 2 किलोमीटर के बाद आदमी की हालत ऐसे ऐसी हो जाती है। हो गया खत्म तेरा 2 किलोमीटर? जिंदा है, सांस चल रही है, तेरा ऐसा मीम बन जाएगा ऐसा। सांस चल रही है। 1.4 किलोमीटर हुए बोलते चल बैठ जाते हैं। नीचे बैठ गई। क्या हुआ? ग्लूकोज। तुझे पता है आज हमने 2 किलोमीटर किए, ऐसे हम 3 किलोमीटर करेंगे धीरे 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 धीरे, रेंज बढ़ा के हम 20 किलोमीटर तक जाएंगे। हम ये फ्लैश की तरह यहाँ से ऐसे नीचे हो जाएंगे। फिर यहाँ से तेरी मम्मी के घर हम वॉक करते हुए जा सकते हैं 5 किलोमीटर। बस हो गया, नीचे जाना है। हाँ यार, अब सोच अगर नीचे लाइट नहीं हुई तो क्या करेगी यार। यार मनुष्यत भरा किया लाइट ने ना। सो गाइस फाइनली वॉक करके नीचे आ गए, फ्रेश हो गए। अब हम लोग थोड़ा सा फ्लैश देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पैन करते हैं। तो अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया प्लीज हिट द लाइक बटन। मुझे लगा तू कुछ कमेंट करेगी। नहीं बस खत्म। मैं थक गई बहुत, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर थक गई। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं पैन करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाए हो उसके सबसे पहले आपको अपडेट मिले। और अगर आपको ये डेली व्लॉग्स काइंड ऑफ मजा आ रहा है तो कमेंट करके हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा। सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।